कि खुद को इतना कम क्यों आंकते हो, खुद को इतना कम क्यों आंकते हो, खुद के अंदर क्यों नहीं झांकते हो। अबे सितारे हो तुम, सितारे आसमान के लिए बने हो, ये शून्य में क्यों झांकते हो। तो हे वेलकम एट टेक्सपीडिया, और नेट में आज से बचे हैं 212 दिन, तो 212 डेज। हाँ, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सीरीज स्टार्ट था 6 डेज में 7 चैप्टर, तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, और हमारी सीरीज स्टार्ट थी 6 डेज में 7 चैप्टर। तो बस आज उस चैप्टर में, उसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर कवर करने का ट्राई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन इज मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज आइदर इन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन आइदर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या कहना चाहते हो भैया, कुछ समझ तो आया नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मोशन इन वन डायमेंशन यार वही होता है जिसमें या तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, या तो मोशन के डायरेक्शन में लगे तो बोलेंगे एक्सेलरेशन, अपोजिट लगे तो रिटार्डेशन। अगर किसी एंगल पे लगता है तो वो सीधा 2D हो जाएगा। अब एक सवाल है तुम्हारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन मोशन विथ पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर दिया है यार, एक 3i है ऑप्शन नंबर ए, एक ये है और एक ये है, तीन ऑप्शन है। आपको बताना है कि वन डायमेंशन का मोशन कौन होगा, तो कौन सा कमेंट करो। 3i ना, 4j प्लस 3i, 3i प्लस 4j। तो मैं तुम्हें बता दूं, तीनों ही वन डायमेंशन मोशन है। तो अगर 3i बोला जाए तो ऐसे जा रहा है, 3i प्लस 4j बोला जाए तो यार j ऊपर साइड होता है, i नीचे साइड होता है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। अभी भी तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ऐसे ही सेम यार अगर ऐसे जा रहा है कुछ i j के तीनों में जा रहा है, सपोज चलो मैं बना देता हूँ। तो यार जब मैं कुछ बना रहा हूँ तो भी ये मोशन तो भले 3i 4j प्लस 5k में जा रहा है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये अभी भी वन डायमेंशन मोशन ही है। तो अब बोलो कि भैया 2D मोशन क्या होगा। 2D मोशन सीखेंगे तब यार, 2D पढ़ेंगे तब। तो बस इसके बाद सवाल उठता है, मोशन पढ़ रहे हैं तो क्या है रेस्ट और क्या है मोशन, क्या है रेस्ट और क्या है मोशन। तो अगर यार टाइम के साथ पोजीशन, टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो तो यार रेस्ट, और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो यार मोशन। अब यार मोशन या रिस्ट जो होता है डिपेंड करता है फ्रेम और रेफरेंस पे। मोशन और रिस्ट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला मैंने यार, मोशन और रिस्ट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहना चाहते हो भैया कि यार एक चीज, अब ऐसे सिंपल सा देखो ना, कोई आदमी है तुम्हें गलत लगता है किसी और को सही लगता है, पक्का। तो ये सिर्फ किसकी बात है, नज़रिए की बात है, किसकी बात की, नज़रिए की बात। तो जैसे पर्सन ए है, हो सकता है ये चल रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये किसमें है, मोशन में, 3 m/s चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ मोशन में, और कोई और बंदा कह रहा है रिस्ट में है, क्या कह रहा है रिस्ट में, तो यार तुम लड़ाई नहीं करना यार उससे। तो ये दोनों भी बातें सही है, बस सवाल किस बात का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर ये सब फर्जी बातें यार, ये सब क्या है, फर्जी बातें, और सवाल क्या है, नज़रिए का, किसका, नज़रिए का। अब सेम चीज़ देखो यार, एक कार है, क्या है, कार मुझसे बनती है, ट्रक है, पक
एक ट्रक है, क्या है, एक ट्रक है यार, एक ट्रक में दो बंदे बैठे हैं, खड़ा कर देता हूँ मैं, ओके बस बना लो इसको, हाँ ये बस है, इसमें दो बंदे खड़े हैं और बस जा रही है यार 20 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ पे दादाजी बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब छोड़ो, दादाजी यहाँ पे बैठे हैं चौधरी पे, ठीक है, दादाजी को इस पर्सन का नाम ए है, इस पर्सन का नाम बी है, इस पर्सन का नाम सी है, तो यार अगर कोई बंदा दादाजी से पूछेगा कि बी किस में है, तो दादाजी क्या बोलेंगे, मोशन में, मोशन में, सी किस में है, तो दादाजी किस क्या कहेंगे यार, मोशन में, मोशन में, अकॉर्डिंग टू दादाजी, ओके अब यार सेम बात अगर मैं बी से बोलूं, बी के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग सी कहाँ है यार, रेस्ट में, तो अब भी किस चीज की बात आई यार, नजरिए की, अबे समझ नहीं आ रहा है, इमेजिन करो तुम बस में, तुम चलो ट्रेन में बैठे हो, कोई बंदा जमीन से बैठ के खड़ा वो देखेगा तो बोलेगा भैया ट्रेन से जा रहे हैं, दोनों लोग, दो लोग हैं तुम और तुम्हारा भाई है, तो दोनों लोग बोलेंगे, कोई पापा बाय बाय करेंगे तो बोलेंगे कि तुम भी जा रहे हो ट्रेन से, वो भी जा रहा है, तो पापा के अकॉर्डिंग तुम दोनों किसमें हो, मोशन में, लेकिन तुम अपने भाई के अकॉर्डिंग क्या हो, रेस्ट में, क्योंकि दोनों सेम जगह पे हो, तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब ये जो मोशन है या जो रेस्ट है, ये सब रिलेटिव बातें होती, क्या होती हैं, रिलेटिव बातें, तो पूरी काइनेमेटिक्स क्या है यार, रिलेटिव बातें, मतलब कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन, तो रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे, फिलहाल इतनी बातें समझ लो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यार सवाल ये है कि हम कब मानेंगे कि हमें काइनेमेटिक्स आने लगा, अब सवाल ये है कि हम कब कहेंगे कि हमें काइनेमेटिक्स आने लगा, तो हम काइनेमेटिक्स क्वेश्चन कह लें भैया, तो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन हमें आने लगे, यार देखो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मेटिक्स, ठीक, तो काइनेमेटिक्स में यार मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले तुम क्या कर लो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दूसरा यार स्पीड निकाल लो, और क्या निकाल लो यार, वेलोसिटी निकाल लो, यार देखो रिवीजन लेक्चर है तो तुम्हें सब कुछ तो आता है, बस आज तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने आए हैं, और एक बार रिवीजन करने आए हैं, ठीक है, तीसरा क्या यार, एक्सेलरेशन आए क्या है, एक्सेलरेशन, और चौथा क्या यार, ग्राफ है, इतनी ही बातें, पांचवा यार मोशन एंड ग्रेविटी ले लो, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी में क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ मोशन अंडर ग्रेविटी, मैं तो कह दूंगा जब ए बराबर जी है और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये भी तो क्या एक्सेलरेशन, तो ठीक है मैं ये मिटा दिया, मैं ये मिटा दिया कि ये भी एक्सेलरेशन के अंदर आ गया। अब इतनी बातें हो गई यार, छह बातें, सातवीं बातें कुछ स्पेशल क्वेश्चन, क्या स्पेशल क्वेश्चन, एक एक चीज़ हम यार आज सब कुछ हम थोड़ा फास्ट देखेंगे, लेकिन आज फिर भी तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा तो भी समझ में आएगा, बस अगर तुम्हें और डिटेल पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है काइनेमेटिक्स नाम से वो होगा वीडियो होगा। तो अब यार डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यार मैं लिख के आया हूँ पहले से बहुत सारी चीज़ें जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन है यार, तुम्हें बहुत सारा काम करना रहता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। पहले ही मैंने बताया था कि जब एक और लेक्चर आज से पहले पढ़ा था तो क्या बताया था, डिस्टेंस क्या है, रियलिटी, क्या है, रियलिटी, मतलब तुम मामा के घर जाते हो और गली बदल बदल के तो तुम्हारी गाड़ी फाइनली में जितना बताती है वो है डिस्टेंस, क्या है, रियलिटी, क्या है, रियलिटी। डिस्टेंस क्या है यार, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है यार, मीटर, ओके आगे क्या गया यार, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एंड आगे
अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जैसे तुम पहले यहाँ हो, फिर यहाँ से यहाँ जाते हो, फिर यहाँ से यहाँ जाते हो, तो ए पे हो, बी पे हो, फिर सी, फाइनली कहाँ पे हो तुम यार, पहले ऐसे ए पे जाते हो, फिर बी जाते हो, फिर बी से सी जाते हो, फाइनली तुम कहाँ जाते हो, सी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार, ए से सी में तुम ऐसे वेक्टर बनाओगे और यही हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। मामा वाला एग्जांपल मैंने पहले ही दे रखा है, तुम सबने कर रखा है, ठीक है। और ये ए प्लस बी यार, जब इनको हम वेक्टर से ऐड करेंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, और टोटल सिंपली सम कर लेंगे ए भी बी भी, तो आ जाएगा डिस्टेंस। यार आगे देखते हैं क्या है, बहुत अच्छा लिखा यार, बहुत अच्छा नोट्स मैंने बना के लाया है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, पता है भैया। डायमेंशन इसकी भी सेम होती है जैसे डिस्टेंस की होती है। यूनिट एसआई यूनिट इसकी भी मीटर होती है। तो अब आगे देखो, इफ वेक्टर एस वन एस टू डैश 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 एस थ्री एस एन तक ये सबका दिया है, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यार, एस वन एस टू एस थ्री, बस ऐसे करके। क्या कहना चाहते हो भैया, एक एग्जांपल दे दो भैया, एक एग्जांपल देते हैं। एक पर्सन है, ए से बी जाता है, बी से कहाँ जाता है यार, सी जाता है, ठीक। ए क्या है यार, 3 मीटर, बी क्या है यार, 4 मीटर। तो अब हमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस में टोटली यार 3 + 4 करो, डिस्टेंस कितनी आ गई यार, 7 आ गई। बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यार, डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले पर्सन 3 मीटर एक्स में गया, मान लो 3i, एक्स में क्या लिखते हैं आई, वाई में क्या लिखते हैं यार 4j। अब चाहिए तुम्हें मैग्नीट्यूड, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और अब तुमसे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने पहले ही बताया है, अंडर रूट करो, स्क्वायर करके जोड़ दो, 3² + 4² सॉल्व करने पे आ गया 5। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे यार। अब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, अब मैं भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दे कि पहले ए से बी जाता है, चलो एक सवाल लिख के दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ए पर्सन फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव 12 मीटर इन ईस्ट, देन 5 मीटर इन नॉर्थ एंड देन इट मूव 13 मीटर अपवर्ड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। एक वॉच वाला क्वेश्चन आता है यार, वो देख लेंगे, ठीक है, करते हैं एक सेकेंड, चलो इतने में हो जाएगा। चल इधर डिस्टेंस कर लेते हैं, डिस्टेंस में क्या बोला, सिंपली सब ऐड कर दो, तो 12 + 5 + 13, तो डिस्टेंस कितनी आ गया यार, 26 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट यार, अगर ऐसे बनाते हैं, इधर लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बंदा मूव कैसे करता है यार, बंदा मूव करता है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर हवा में चला जाता है, ऊपर ऐसे ऐसे ले लिया। तो अगर मैंने इधर आई लिया, ऊपर जे लिया, तो हवा में क्या ले लेंगे यार, के ले लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना यार, 12i कैप + 5j कैप + 13k कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना है यार, तो अंडर रूट करो, स्क्वायर करो, जोड़ दो, 12² + 5² + 13² सॉल्व करने पे आ गया यार 13√2 आंसर यार। बस सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यार आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ बातें। आज सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें मैं कर लेके आया हूँ यार, आज का लेक्चर एकदम कम्प्लीट है, इट में भी थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन आज परफेक्ट रहेगा। कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यार या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या तो बराबर होगी,
जब स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव करेंगे तब बराबर होगी, और भी कोई डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आगे, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। मतलब एक मूव कर रहे पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ना तो निगेटिव होगी ना तो जीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस हमेशा जीरो से बड़ी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है यार, जीरो भी हो सकता है यार, और क्या पॉजिटिव भी हो सकता है। बस बात करता हूँ अगला यार, अगला। फॉर अ मोशन बिटवीन टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू, व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ सो कैन इट हैव मेनी वैल्यू। तो यार क्या ही कहना चाहता है, नहीं समझ आया। अगर ए से बी जाना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा यार, ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और डिस्टेंस क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यार, मामा घर वाला एग्जाम्पल। तो यही लिखा यार कि डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू होगी, डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। इतना समझ आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके आगे बढ़ते यार, और अगर नहीं समझ में आता ना तो कमेंट कर दो यार, इसीलिए तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो कि तुम्हें समझ में आया। अगर मुझसे ही पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा है मतलब, आगे बढ़ते यार। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी घटेगी नहीं विथ टाइम, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। ओके, इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मीन्स बॉडी, फलाना धमकाना पता नहीं क्या लिखा, ये कह रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस कभी घटेगी नहीं, जबकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ घट सकती है, जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो बस यार आगे बढ़ते हैं। इन जर्नल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, हाउ एवर इट कैन बी मोशन। अब यार जो मैंने अभी बताया कि देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता, जैसे कि कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है बराबर से, अबे होता नहीं है कि जितने की तुम्हारी प्रिपरेशन होती है उससे टेस्ट में कभी नंबर ज़्यादा नहीं आता, हो सकता है कभी बराबर हो जाए या कम आएगा। तो वही जो तुम्हारा नंबर आ रहा है उसे बोलो डिस्प्लेसमेंट, और जो तुम्हारी तैयारी है उसे बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर यार तुम टेस्ट के टाइम पर डिप्रेस ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कर सकते हो, मतलब कि ज़्यादा नंबर ला सकते हो, मतलब इक्वल नंबर ला सकते हो, जितना तुम्हारी तैयारी उतना नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते यार, ए बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस को यस बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को ये, तो कौन सा सही है यार? अभी यार 50 बार तो पढ़ा, ए बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, क्या अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट आंसर है। यही सब बातें यार, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे एक स्पेशल केस देखेंगे यार, स्पेशल केस से पहले ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए मैन कंप्लीट अ सर्कल इन 40 सेकेंड देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट 100 सेकेंड, या कह दो यार कि 1 मिनट 40 सेकेंड। अच्छा भैया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता कैसे करता? क्या कह रहे हो भैया तुम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या चाहिए तुम्हें? रेशियो, और दिया है 40 सेकंड में कितना मूव करता है पूरा सर्कल, और सर्कल कितना होता है यार 2πr। तो डिस्टेंस एक 40 सेकंड में दिया है, 40 सेकंड में, 1 मिनट 40 सेकंड में देखो मिनट के सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट 40 सेकंड में यार 100 सेकंड होते हैं, 100 सेकंड 60 40 100 पक्का।
अब देखो 100 सेकंड में कितना सर्कल कंप्लीट करेगा यार, 100/4 ढाई सर्कल कंप्लीट करेगा, 2.5 तो 2.5 सर्कल, एक सर्कल होता 2πr, ढाई सर्कल 2.5 उड़े 2πr, तो अब डिस्टेंस कितनी है यार 1 मिनट 40 सेकंड में, 5π/r, इतना समझ आया ना? अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करो, इतना थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा, ओके यार। अब 100 सेकंड की बात आई, तो अब देखो सबसे पहले अब डिस्प्लेसमेंट यार, यहाँ से स्टार्ट किया, ये r है, ये भी r है, तो टोटल कितना होगा 2r। अब देखो यार सबसे पहले 40 सेकंड में यहाँ पे आ गया, फिर अगले 80 सेकंड में, फिर 80 सेकंड, फिर ऐसे यहाँ पे आया, अब बचा 20 सेकंड, अब यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। तो फाइनली यार हमारा पार्टिकल कहाँ पे है यार, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का तो यार वो तो सर्कल मूव कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे बना रहे हैं, तो मूव कितना किया यार 2r। अब रेशियो चाहिए था डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो 5π/2 यही हो गया यार। अब सवाल ऐसे आएगा, अब तुम पूछो तुम कैसे गलती करोगे, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, वहाँ पूछेगा डिस्टेंस अब और डिस्प्लेसमेंट, तुम निकाल दोगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तुमसे पूछेगा रेशियो, तुम ऐसे ही रख के चले आओगे, यही सब गलतियाँ करोगे, तो तुम क्या, अच्छा तो भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे गलती ना करें, बता दे पक्का, सोच लो, ध्यान से देखो लिखा रहेगा सवाल में कि क्या करना है। जब भी यार OMR फेल करो उससे पहले एक बार देख लो क्या पूछा था तुमने, क्या किया था, ऐसे करके बहुत सारे नंबर घटते हैं। आगे बढ़ते यार, अभी यार बहुत पीछे यार, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। देखो एक फार्मूला लिखा देता हूँ छोड़ो, कि जब सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इसे प्रूव कर लेंगे, तो यार डेल्टा मतलब यार डेल्टा थीटा यार बोल दो, या फिर चेंज बोल दो, क्या बोल दो, चेंज, तो वो होता है यार 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2, ये थीटा का बाय 2 है, थीटा का बाय 2 है, बस यार इतना कर लो यार, इतना कर लो, ये फार्मूला प्लीज़ अभी याद कर लो, बाद में यार सिखा दूँगा, बाद में प्रूव कर दूँगा कैसे, सिखाना बहुत कठिन नहीं है, वो तो 2-3 मिनट का बात है, लेकिन यार अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत बड़ा लेक्चर है, और 2 घंटे का टाइम मैंने लिया है, तो उसके अंदर ही करना है, तो ये फार्मूला याद कर लो, और इसके जो न्यूमेरिकल होंगे यार मैंने पहले भी करवा दिया है, तो आगे भी देख लेंगे अभी अगर वक्त रहा तो। आगे क्या आया यार, स्पीड और वेलोसिटी, क्या आया, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है यार। तो अगर डिस्टेंस तुमने निकालना सीख लिया, क्या सीख लिया, डिस्टेंस, और टाइम से कर दिया डिवाइड, डिस्टेंस निकालना सीख लिया और टाइम से कर दिया डिवाइड, तो क्या आ गई स्पीड, और डिस्टेंस हमने देखो इसीलिए आराम से पढ़ा है, स्पीड निकालना हमने सीख लिया, और डिस्प्लेसमेंट को यार टाइम से डिवाइड करना सीख लिया, तो क्या आ गया यार, इतनी सी बात है। अब तुम्हारे मन में दिमाग आएगा, पापी मन में तुम्हारे ये सवाल आएगा, हाँ पापी मन में तुम्हारे ये सवाल आएगा कि भैया वहाँ पे तुम कह रहे थे कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, जब टाइम का डिवाइड करना है या तो ज़्यादा तो है बराबर, मतलब टाइम का डिवाइड करना है, तो इससे तो ये भी तो कह सकते हैं कि स्पीड जो होगा या तो ज़्यादा होगा तो बराबर होगा किसकी, वेलोसिटी के। आज पहली बार तुम्हारे पापी मन में एकदम सही ख्याल आया है, एकदम सही ख्याल आया है, तो ये भी सही, ये भी सही, ऐसे। अब यार तुम्हें कन्फ्यूजन ये होती होगी, मुझे तो होती थी कि यार कभी पूछता है एवरेज वेलोसिटी, कभी पूछता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कभी पूछता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब बवाल है क्या, कमेंट करो, पहले कमेंट करो तभी लेक्चर बढ़ेगा, ये सब बवाल तुम्हारे दिमाग में आता है कि नहीं आता है, आगे देखो यार, अगर आता तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। तो टाइप क्या होता है यार, टाइप पूछ सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इतनी सारी बातें पूछ सकता है। तो यूनिफॉर्म क्या यार, जो चेंज ना हो, और वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा यार, एक्सेलरेशन, मतलब क्या कह दूं, एक्सेलरेशन क्या हो यार, जीरो हो,
ओके, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो यार, मतलब कि जो चेंज हो, जो चेंज हो, ठीक, मतलब एक्सेलरेशन जीरो ना हो। अब बाकी एवरेज और इंटरेस्ट, एवरेज देखेंगे ही देखेंगे, एवरेज क्या हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इंटेंस एक सेकंड का, जैसे तुम्हारे नजरों के सामने से कोई गुजरा और तुमने पलक बंद कर ली, बस। तो वही यार उसी मोमेंट, मतलब कि डी एस बाई डी टी, एक पल की बात, पल भर की बात। कहना क्या चाहते हो भैया, कहना ये चाहते हैं कि जब तुम बचपन में साइकिल या गाड़ी चलाना सीख रहे थे, साइकिल या गाड़ी चलाना सीख रहे थे, तो जैसे तुम्हें यहाँ से लेके, घर से लेके स्कूल तक के, जब तुम्हें पहली बार साइकिल या बाइक दिलाई गई या स्कूटी दिलाई गई, जो भी हमें तो नहीं दिलाया गया था, दिलाई गई और तुमने यार भागना शुरू किया इस घर से स्कूल तक पहुँचे, तो कुछ ऐसा हुआ, कभी तो तुमने साइकिल की स्पीड ये चलाई, कभी ये चलाई, कभी ये चलाई, कभी ये चलाई। अब जो तुम्हारे चाचा थे या कोई था, ऐसे घर में शिकायत आती ना, बहुत तेज़ साइकिल चलाता है, बहुत ही तेज़ चलाता है, तो क्या तुम पूरे टाइम बहुत तेज़ चलाते हो? नहीं, तुम किसी टाइम एट द मोमेंट, यहीं पे अंकल ने देख लिया एट द मोमेंट, तो उसी एट द मोमेंट वाले को क्या बोलते हैं यार, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, मतलब एक क्षण, मतलब डी एस बाई डी टी। और ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को क्या बोलेंगे, एवरेज। और यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को बोलते हैं एवरेज। तो बस इंटरस्टेनियर एवरेज, अब लगता है मुझे क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आज के लेक्चर को करने का मज़ा आ रहा है कि नहीं, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये बताओ, तभी आगे बताएंगे, वरना काम मेरे पास बढ़ रहा है आजकल। तो ये ऑपरेशन नीट के एम से नीवस के एम तक कंटिन्यू रखना है क्या, 6 दिन में 7 चैप्टर? देखो यार, तुम लोग मेहनत करोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं मैं नहीं पढ़ाने वाला यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुझे पढ़ रही है आज को, जैसा लग रहा है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड जो हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड, क्या लिखा है, हाँ टाइम एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, ये यार इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहीं से न्यूमेरिकल आता है, यहीं से। अब तुमने देखा भी होगा, आज सब क्लियर कर देंगे एकदम, थ्योरी क्लियर। व्हेन अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब कि नो मैटर छोटा कि बड़ा, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, या कहते एक्सेलरेशन जीरो, बात करते नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, अब साफ साफ कहो एक्सेलरेशन है, बात करते हो। एवरेज क्या होता है यार, एवरेज अभी बात की हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं एवरेज, बात खत्म हो गया, आ गया यार। अब एवरेज में भी दो होता है यार, एवरेज में भी क्या होता है यार, दो, अपने लैंग्वेज में आओ, अपने लैंग्वेज में आ जाओ, एवरेज में भी यार दो होता है, एक होता है डिस्टेंस एवरेज, एक होता है टाइम। अबे तुमने पढ़ा होगा ना, 2V1V2 / V1+V2, ये पढ़ा है, और क्या पढ़ा यार, V1+V2/2। अब तुम्हें समझ नहीं आता कब कौन सा होगा, तो वही जो ये वाला है, ये वाला हरामी वाला बवाल वाला, ये है क्या है, डिस्टेंस डिफिकल्ट, दिस डिस्टेंस इज डिफिकल्ट, हरामी वाला डिफिकल्ट, जो सिंपल वाला है वो टाइम है, ठीक। तो अभी तो भैया ये सब बोल दे रहे हो, हम बाद में कैसे लगाएंगे, तो बाद में तुम फार्मूला ऐसे लगाओगे यार, जब डिस्टेंस दिखे तो डिफिकल्ट वाला, जब टाइम दिखे, सस्ता वाला या सिंपल वाला, बात करता हूँ। क्या आज तुम्हें कुछ फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है?
पहले से कुछ ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो बस यार ऐसे ही मज़ा आता रहेगा, बस तुम कंटिन्यू रखो यार, बस आगे यार। और थोड़ा पढ़ लेते हैं। वन अ पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्टेंस डी वन डी टू डी थ्री विथ डिफरेंट टाइम टी वन टी टू टी थ्री विथ वेलोसिटी वी वन वी अब स्पीड वी वन वी टू वी थ्री रिस्पेक्टिवली देन स्पीड ऑफ पार्टिकल एवरेज कवर डिस्टेंस विल बी गिवन। एज ये दिया है यार ये। तो बस यार क्या है यार, तो हमें अभी पूरे पिछले वाले में हमने पूरा यार एक फैक्टर सॉल्व करके बताया था। जब अभी मैंने एक लेक्चर और कराया था तो उसने बताया था कि यार हमें दो ही चीज़ फाइंड करना है, एक टाइम और एक डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर देना है। यार आज सवाल ज़्यादा ना हो पाएंगे, अगर थ्योरी क्लियर होगी या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सवाल ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। और सवाल तो तुम पिछले लेक्चर से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते यार, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का फैक्टर बनाना है, डिस्टेंस और टाइम का फैक्टर मैंने बनाना है। अब यार ये एक सेकेंड यार गड़बड़ हो रहा है, ठीक अब ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। और टी को क्या लिख सकते हो यार, टी को लिख सकते हो डी वन बाई डी टू वी वन बाई वी थ्री बाई वी थ्री। तो बस यार सिंपल से ही हमारे लैंग्वेज में टोटल अपान में डी वन बाई वी वन प्लस डी टू बाई वी टू प्लस डैश 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 जो भी है सॉल्व करते जाओ यार आंसर आ जाएगा। ऐसे टाइम वाला यार तुम तो बस ये जानो, तुम बस ये जानो, बात खत्म। एक सवाल ये है यार, आ जाओ भैया कर लेते हैं, सवाल करेंगे लेकिन सवाल लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। दिख रहा है ना, ए कैट मूव्स यक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड ये रिटर्न यक्स टू इतना वी डी द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। सिर्फ डिस्टेंस की बात हुई है और कुछ हुआ नहीं, फार्मूला लगा दो बात खत्म, बस यही हो गया आंसर। सॉल्व करूँ क्या, सॉल्व तो यार करना नहीं चाहिए क्योंकि पहले बता चुका हूँ। तो चलो आओ देखो, जाने अगर यक्स ये फिर लौटने में यक्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना, टू यक्स डिवाइडेड बाई इधर गया वी वेलोसिटी से इधर गया यू वेलोसिटी से, तो यक्स वन हो गया यक्स बाई यू प्लस एक्स टू हो गया यक्स ये भी एक्स डिवाइडेड बाई वी। सॉल्व कर दो यार, टू अपान में वन बाई वी प्लस वन बाई यू, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा यार, टू वी जो भी लिखा है वी यू बाई वी प्लस यू, सॉल्व कर लो आंसर। ऐसे ही सेम सवाल यार, अ पार्टिकल मूव्स विथ 20 सेकेंड वेलोसिटी इतना, 4 मीटर से इतना, आगे के लिए इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अच्छा भैया टाइम वाली बातें चल रही है, तुम तो कहे थे सीधा v1 t1 v1 v2 t2 करते चले जाओ आंसर आ जाएगा, कर दो यार टाइम की बात। 20 चलो क्या लिखते थे, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर t बराबर रहता था तो कट किया आ जाता, अगर t बराबर होता तो आ जाता v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। बस इसे सॉल्व कर दो यार, 20 गुणे 3 प्लस 20 गुणे 4 प्लस 20 गुणे 5, यहाँ पे सेम दिया है, चाहते तुम डायरेक्ट डिवाइड कर देते, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, सॉल्व कर दो यार आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। इतना ही समझ में आएगा, आगे देखते हैं यार। ये हो गया टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। जैसे यार टाइप ऑफ स्पीड होता है वैसे ही टाइप ऑफ वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ बताने वाला नहीं है, तो देखो वीडियो रुकाइए, रोक लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ लो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, सब कुछ सेम है यार, कुछ चेंज नहीं है, बस जहाँ पर स्पीड लिखा था वहाँ पर काट के वेलोसिटी लिख दिया। अब आ जाओ क्या है यार, कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, आज होगा कंपेयर। एवरेज स्पीड इज स्केलर वाइल एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर। अब वेक्टर है तो यार उसके पास दोनों होगा ही, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा भैया तुम तो कह रहे थे डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसीलिए तो डिस्टेंस से बनता है स्पीड, ये हो गया स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी, ये हो गया वेक्टर। आगे देखो यार, पहला पॉइंट हो गया,
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल ओवर विच इट डिफाइन। अबे यार हाँ, तो अब टाइम से डिवाइड करें तो टाइम पर डिपेंड करेगा ही ना करेगा, बात खत्म। आगे देखो, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल वैल्यू व्हाइल एवरेज स्पीड कैन हैव मल्टीपल वैल्यू डिपेंड ऑन पाथ। तो वही तो डिस्टेंस की थी क्या मल्टीपल वैल्यू, डिस्टेंस की थी सिंगल वैल्यू, तो ऐसे ही वेलोसिटी होगी सिंगल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड होगी मल्टीपल वैल्यू। या इसमें कुछ नया है नहीं है ना, ऐसे ये भी सेम। अच्छा हाँ, एक ये बात देखो, ये बात देखो चाचा, इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक इनिशियल पोजिशन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। अगर तुम यहाँ पे आ गए तो अब तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया यार, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं होगी क्योंकि इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया टू एक्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या एक्स माइनस एक्स क्या हो जाता है जीरो। तो बस इतनी सी बात थी, ये भी सेम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि डिस्टेंस हम कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो स्पीड भी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, और ऐसे ही वही चीज़ें लिखी यहाँ पे पढ़ लो फिर, डिस्प्लेसमेंट जीरो निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। इतना हो गया यार, आगे देखो चाचा, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पढ़ो यार क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। कुछ नहीं लिखा, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो जाने। बाकी ये पीडीएफ में पढ़ा रहेगा, मैंने ग्रुप पे तो डाल ही दिया है, तुम ग्रुप पे पढ़ लेना, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम बातें लिखी है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे डायरेक्ट, ठीक है। अब यार पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, पहले उसे बोलता था एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन पता नहीं कुछ ही बोलता अपने इसका मतलब। एक्सेलरेशन द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहना चाहते हो भैया, हिंदी में बोलो। ए बराबर डी वी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस हो गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोलो वो एवरेज हो गया, बात करते हैं। आगे देखो अगला पॉइंट, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्या होता है यार, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी होता है वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। देयर आर थ्री पॉसिबल वेज इन विच एक्सेलरेशन काम कर सकता है, यार पहले भी बताया था, या तो स्पीड बढ़ाएगा, या तो घटाएगा, या तो सर्कल कराएगा, मतलब या तो सर्कल कराएगा या फिर कह दो डायरेक्शन चेंज करेगा। एक एक बात हमने एकदम रज रज के पढ़ी है पहले, तो आज तो ना पढ़ने वाले, क्योंकि वन शॉट ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। तो बाकी यार तुम फिर से देख लेना वो वाला लेक्चर, वैसे ये सब जगह मैंने जानते हो सवाल कराने के लिए छोड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 39 मिनट यहीं पर हो गया, 40 मिनट अभी ग्राफ वगैरह पढ़ना है। बस तुम ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद तुम क्वेश्चन वाला लेक्चर देखोगे और बेटर आएगा भाई, और बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखो करते जाओ, बाकी अगर तुम कहोगे तो हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन 25-30 तो करवा दें, लेकिन उसके लिए तुम्हें कमेंट करके बताना होगा। अब ऐसे यार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इतना चीज़ें होती हैं। कुछ भी नहीं यार, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन भी बदलता रहे वक्त के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वक्त के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, एवरेज एक्सेलरेशन ये वाला देख लो यार, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बस यही आंसर।
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यार चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके बस, वैसे मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। आगे बाय ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर कह सकते हैं बराबर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, बराबर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बस, और ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स भी होता है, ये फार्मूला है यार। जब वो इंटीग्रेशन करके देखते हैं तब पता चलता है। तो कैसे होता है यार, ए बराबर हम क्या लिखते हैं यार, डी वी बाई डी टी। अगर हम दोनों तरफ डी एक्स बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो गया यार, डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई ये डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से हमने एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ से हमने डी एक्स बाई डी टी क्या लिख दिया यार, वेलोसिटी लिख दिया, क्या लिख दिया, वेलोसिटी। तो अब ये क्या हो गया, वी डी वी बाई डी एक्स, सेम फार्मूला अपना आ गया। अब यार आगे देखो, अच्छा भैया यार सब पहले से लिखा था, सेम चीज़ वही तो बताया यहाँ पे। एक बात और देख लो, जब एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तब, इफ़ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम टी वन एंड फिर एक्सेलरेटेड टाइम टी टू फॉर विथ ए टू, देन एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यार, ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू। सिंपल सी बात यार, यहाँ भी वही लगा, मैंने बोला टाइम वाली बात तो वहाँ पे लगता था एक्स वन टी वन, क्या लगता था, एक्स वन टी वन, वहाँ पे लगता था एक्स वन टी वन, और यहाँ पे लगेगा ए वन टी वन। यार सेम बात है, अगर वो फार्मूला तुम्हें याद हो गया तुम्हें ये भी फार्मूला याद हो जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है यार अपने फीचर में फंक्शन में, अब आगे आ गया यार ग्राफिकल ऑपरेशन। क्या गया, ग्राफिकल ऑपरेशन यार, अगर क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं, अगर तुम्हें लगेगा तो क्वेश्चन हम फिर से कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, थक चुका हूँ।